अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा लगातार जिले के हर विधानसभा में पहुंच रही है। बदलाव यात्रा का अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचने पर जिले के लोगों द्वारा जमकर स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में बदलाव यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता पृथला विधानसभा के फतेहपुर गाँव पहुंचे, जहाँ पर बदलाव यात्रा का पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बदलाव यात्रा के दौरान लोगों ने सुशील गुप्ता को फूल माला पहनकर पूरा समर्थन देते हुए नजर आए। केजरीवाल को चाह रहा है, हर घर बदलाव चाह रहा है, हर घर अच्छे स्कूल चाह रहा है, अच्छे हॉस्पिटल चाह रहा है, बच्चों के लिए रोजगार चाह रहा है, किसान का सम्मान चाह रहा है, मजदूर का सम्मान चाह रहा है। यहाँ पे मैं देखा हूँ गलियों के अंदर पानी भरा हुआ है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चे नशे के अंदर घूम रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव यात्रा है और हरियाणा बदलाव चाहता है। हरियाणा हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहता है। आपने पूरा फरीदाबाद भ्रमण किया है, ग्रामीण क्षेत्र में भी आप पहुंचे हैं, किस तरीके का समर्थन जनता की तरफ से मिल रहा है? अपार समर्थन मिल रहा है, जहां जा रहे हजारों की संख्या के अंदर जनमानस घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं और यात्रा का बदलाव यात्रा का अभिनंदन कर रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार दावा कर रही है 2024 में फिर सरकार बनाएगी, क्या लगता है आपको? बीजेपी के दो डिजिट के अंदर MLA नहीं आने वाले, 10 से नीचे नीचे रहेंगे। हरियाणा की जनता बीजेपी से नफरत करने लगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनाव नगर निगम के भी नहीं कराए जा रहे हैं, 1.5 साल हो चुके हैं। हार के डर से नहीं करा रहे, 2 साल हो गए हैं फरीदाबाद का चुनाव लेट हो। साहब लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराने का मूड बना रही है बीजेपी, क्या लगता है? जब मर्जी कराए, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा में आम आदमी पार्टी की पूरी तैयार। क्या लगता है कि तमाम जो आपका जो अगर बात करें मैनेजमेंट सिस्टम का या आपके कार्यकर्ताओं का, तो ये पूरा काम हो चुका है? 1.5 लाख